वजन कम करना है तो डाइट प्लान सुनने पांच के जी दो हफ्तों में आराम से कम करेगा अंडे बड़े महंगे चिकन बड़ा महंगा गोश्त बड़ा महंगा इतनी महंगी डाइट अफोर्ड नहीं होती तो फिर सस्ती डाइट सुने अगर आपको कोई बीमारी नहीं है ना तो फिर ये डाइट प्लान आपके लिए है सुबह नाश्ता करने से 20 मिनट पहले एक कप ग्रीन टी पीनी है अगर ग्रीन टी बैग्स आपको महंगे लगते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुले पत्ते ले ले वो भी वही काम करेगी एक कप ग्रीन टी पी ली नाश्ता करने से 20 मिनट पहले इतना गैप देना जरूरी है उसके 20 मिनट बाद जो आप नाश्ता स्टार्ट करेंगे अब नाश्ता क्या करेंगे पिछली रात को जो मसूर की दाल बगैर तड़के के आपने बना के रखी होगी

छोटे हैं तो दो खाएंगे बड़ा है तो एक ही खाएंगे साथ में एक गिलास पानी जरूर पिएंगे दोपहर के खाने में सिर्फ कचूमर सैलेड खीरा टमाटर प्याज चिकंदर लाल लोबिया सफेद लोबिया काले चने सफेद चने भी ऐड कर सकते हैं फुल ऑफ प्रोटीन फुल ताकत ये सैलेड खाने के बाद रात तक आपको भूख नहीं लगेगी मतलब के बे वक्त की भूख से बचा के रखेगा फिर रिपीट कर रहा हूँ सैलेड में क्या चीजें होनी चाहिए कीरा टमाटर प्याज चिकंदर लाल लोबिया सफेद लोबिया काले चने सफेद चने टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा सिरका एक नींबू काली मिर्च डाल सकते हैं शाम को अगर आपको भूख लगी तो एक कप चाय पी लेना चीनी के बगैर और अगर भूख थोड़ी ज्यादा लग रही है तो कोई भी दो शुगर फ्री बिस्किट खा सकते हैं अब आते हैं डिनर की तरफ वेरी इंपॉर्टेंट डिनर में आपने सब्जियां लेनी है अपनी मर्जी की उसको पानी में बॉइल्ड करके बनानी है उसकी यखनी तो बन जाएगा सूप टेस्ट के लिए थोड़े से मसाले या काली मिर्च डाल सकते हैं लेकिन नमक नहीं डालना क्योंकि नमक इंसान की बॉडी को फुलाता है वो भी बड़ी तेजी से इसलिए व्हाइट सॉल्ट को दो हफ्ते के लिए क्विट कर दे हाँ उसकी जगह अगर आप पिंक हिमालय सॉल्ट डालना चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं लेकिन वो भी थोड़ी और जो रात में सब्जियों की यखनी आपने बनानी है उसका अगर एक बाउल से पेट ना भरे तो दो बॉल पी लें और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा सा चिकन भी ऐड कर सकते हैं और अगर, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके बगैर भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि प्रोटीन की इंटेक जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा इस डाइट के साथ रात को सोने से पहले कोई कावा नहीं पीना आपने बस अगर आधी रात को भूख लग गई तो एक गिलास दूध पी सकते हैं मलाई साइड पे करके और अगर भूख ज्यादा लग गई तो दो शुगर फ्री बिस्किट भी ले सकते हैं एक शर्त है ये जो दो हफ्ते अपने डाइट करनी है ना इसके साथ रोजाना सुबह करें रात को करें एक घंटे की वॉक लाजमी करनी है लाजमी से मुराद लाजमी करनी है पूरे दिन में जब आपको टाइम मिले चाहे सुबह मिले रात को करे लेकिन एक घंटे की वॉक रोजाना करनी है क्योंकि डाइट प्लस वॉक रिजल्ट फास्ट कर देती है लेकिन फिर बता रहा हूं ये डाइट सिर्फ दो हफ्ते के लिए पांच के जी आराम से कम करेगी लेकिन अगर लाइफ टाइम स्मार्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर डाइट प्लान करना पड़ता है और अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक करना पड़ता है क्योंकि कई लोगों को कई किस्म के मेडिकल इश्यूज भी होते हैं जैसा मेरी कंसल्टेशन में आठ किस्म के ब्रेकफास्ट दस किस्म के लंच बारह किस्म के डिनर मिलते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर लंच बिफोर डिनर बिफोर स्लीप हर चीज एड होती है एक्स्ट्रा टाइम पे भूख लग जाए आधी रात को भूख लग जाए वो भी एड होता है प्लस ट्वेंटी फोर आवर में अटैच रहता हूं डांटता रहता, रहता हूं और पूरी नजर रखता हूं और वॉक के लिए और एक्सरसाइज के लिए पुश करता रहता हूं मैं तब तक जान नहीं छोड़ता जब तक बंदा स्मार्ट ना हो जाए लेकिन फिर बता रहा हूं दो हफ्ते से ज्यादा ये डाइट नहीं नहीं तो वेट स्टक होगा क्योंकि इंसान की बॉडी को चेंजेस की जरूरत होती है रोजाना कपड़े चेंज करते हैं हैं क्यों क्योंकि वो गंदे हो जाते तो आपकी मजबूरी है चेंज करना सेम इसी तरह इंसान की रूटीन भी चेंज करनी पड़ती है उसकी डाइट भी चेंज करनी पड़ती है तब जाके आपको फर्क पड़ता है ये डाइट पेन सिर्फ आपको धक्का लगाएगा पुश करेगा मोटिवेट करेगा क्योंकि आपको रिजल्ट तो नजर आएगा और फिर जब इंसान को रिजल्ट नजर आता है और फिर वो ठान लेता है कि मैंने अपने आप को स्मार्ट करना है डाइट आपका वजन कम करती है वॉक आपकी बॉडी को

Four, five, six, seven, eight, nine, ten. एक मिनट का रेस्ट ले लिया एक्सरसाइज नंबर वन के बाद अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर टू की तरफ टांगे वही आपने नॉर्मल पोजीशन में खोलनी है ना ज्यादा बाहर ना ज्यादा कम एक नॉर्मल पोजीशन होती है कि आपने टांगे खोल ली। अब आपने क्या करना है अपनी टांगों को साइड टू साइड टच करना है एक्सरसाइज नंबर टू सेट नंबर वन फिफ्टी रेपिटेशन स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दो मिनट का रेस लेना अपने एक्सरसाइज नंबर टू के बाद अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर थ्री की तरफ हाथ अपने सर पे रखने हैं टांग उठानी है और कोशिश करना अपनी अपर बॉडी को भी नीचे लेके आना है टांग भी उठानी है और दोनों को कोशिश करना जितनी था और चेस्ट जितनी करीब आएगी अगर टच कर लिया तो बहुत अच्छी बात है टच ना भी हो जितनी ज्यादा करीब लेके आएंगे तो आपको उसी टाइम प्रेशर महसूस होगा अपर बेली पे ऊपर वाला हिस्सा जो फूल जाता है और लोअर बेली पे जो रुके लटक जाता है निकल के इन दोनों को काम करना बहुत जरूरी है तीन सेट लगाएंगे हर सेट में थर्टी रेपिटेशन लगाएंगे एक्सरसाइज नंबर थ्री सेट नंबर वन थर्टी रेपिटेशन स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो मिनट का रेस्ट लेना है, है ये हिट करती है आपकी साइड फाइड को बड़ी जल्दी कम करती है खड़े खड़े हाथ अपने सर पे रखने लेफ्ट कोनी को राइट कोनी को राइट हाइड के साथ टच करेंगे देखें जितना ज्यादा टच करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा टच ना भी कर पाए जितना ज्यादा क्लोज लेके आएंगे तब भी प्रेशर पड़ जाएगा आहिस्ता एक दिन इस्त टच कर जाएंगे राइट 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 को नहीं राइट right थाई को लेफ्ट को नहीं लेफ्ट थाई को टच करेंगे और ट्वेंटी रेपिटेशन लगाएंगे एक सेट में टोटल लगाएंगे इसके तीन सेट नंबर फोर सेट नंबर वन ट्वेंटी रेपिटेशन स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एक्सरसाइज नंबर फाइव और आखिरी एक्सरसाइज आपने जमीन पे बैठना है टांगे नॉर्मल बेंड करनी जितनी नॉर्मली बेंड होती हैं आपने साइड टू साइड टच करना है इसको कहते हैं रशियन ट्विस्ट जितना ज्यादा पीछे जाके टच करेंगे जमीन को टच करना जरूरी है उतना ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपकी साइड पे भी और लोअर बैली चीजें कवर होती है तीन सेट लगाएंगे हर सेट में फिफ्टी रेपिटेशन तो लगाएंगे एक्सरसाइज नंबर फाइव सेट नंबर वन फिफ्टी रेपिटेशन स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट nine, ten, eleven, twelve.